ये है अपडेटेड NS 200 2024 मॉडल। बहुत सारे फीचर्स इसमें अपडेट हुए हैं, मैं एक एक करके आपको सारे फीचर्स दिखाता हूँ, है ना। राइड पे भी चलते हैं, परफॉर्मेंस वगैरह भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहला अपडेट तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो हेडलाइट है वो कम्प्लीटली नई हो चुकी है, ऑल LED वाली हेडलाइट है। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये DRL है। जैसे आप हेडलाइट लोगे ना तो ये देखिए पूरी LED की हेडलाइट है। इंडिकेटर भी LED में है, तो जैसे मैं इंडिकेटर लेता हूँ ये देखो इंडिकेटर भी ऑल LED है। बाकी USD पहले से आते थे, है ना। बड़ा सा डिस्क फ्रंट में है, पीछे भी बड़ा सा डिस्क है। डुअल चैनल ABS है, कार्बन फाइबर की फिनिश यहाँ पे है, और ये वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। जो व्हील है वो भी देखो कुछ ग्रे फिनिश में है, फ्रेम भी ग्रे फिनिश में है, तो पूरी जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा बनता है बाइक का। अंडरबेली एग्जॉस्ट है, यहाँ पे छोटा सा काउल ऐड करा गया है, और ऐसा कुछ इसका साइड का प्रोफाइल है। NS 200 की सबसे बड़ी राइवल है अपाचे RTR 204B। उसके कंपैरिजन अगर आप देखो तो ये थोड़ी सी बल्की लगती है, इसका थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा है, अराउंड 155 कुछ केजी का वेट है। एग्जैक्ट कितना यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो उसके कंपैरिजन में यार पहले ऐसा होता था कि NS में हमें फीचर्स कम मिलते थे, लेकिन अभी यार फीचर्स भी अच्छे खासे दे दिए गए हैं। तो राइवल में ये कहीं से किसी भी तरीके से पीछे नहीं है, बल्कि आगे ही है परफॉर्मेंस के टर्म्स में, क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। पावर सेगमेंट बेस्ट है अगर आप प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखो, क्योंकि इसकी जो एक्स शोरूम प्राइसिंग है ना 2024 मॉडल की वो है 157,000 157,000। तो इस प्राइस के हिसाब से अगर आप देखो तो जिसका पावर का फिगर है वो बहुत ज़्यादा है, है ना। मतलब अराउंड 24 या 25 PS की पावर मिलती है। एग्जैक्ट पावर फिगर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखो कार्बन फाइबर की फिनिश है, स्प्लिट वाली सीट है, NS 200 की बैजिंग यहाँ पे है, यहाँ पे पल्सर की बैजिंग है। और हाँ, अगर आप भोपाल से हो या भोपाल के आसपास से हो, आप बजाज की कोई भी बाइक देखना चाह रहे हो, खरीदना चाह रहे हो, टेस्ट ड्राइव लेना चाह रहे हो, तो आप ये ओम एडवांस बजाज पे विजिट कर सकते हो। एक शोरूम इनका MP नगर में है, दूसरा इनका कोई फिजा में है। बजाज की पूरी लाइनअप यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो देख सकते हो। तो फ्रंट के अपडेट मैंने आपको दिखा दिए, अब ये देखो क्लस्टर में भी अपडेट करा गया है। पहले आपको याद हो इसमें ना कुछ एनालॉग या सेमी डिजिटल क्लस्टर आता था, तो यार हम सभी लोग बोलते थे कि यार इसमें क्लस्टर में अपडेट करने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो अभी बजाज ने फाइनली इसके क्लस्टर को अपडेट कर दिया है, और इसमें देखो इसमें पूरा डिजिटल वाला क्लस्टर है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, तो आप अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन, कॉल या SMS की नोटिफिकेशन यहाँ पे ले सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे फीचर देखो, क्लॉक भी है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, ओडोमीटर है, फ्यूल गेज है, टैकोमीटर है, इंजन मेलफंक्शन का इंडिकेटर है, ABS है, और सब कुछ दिखाता है। यहाँ पे देखो अलग अलग कलर भी आते हैं, है ना। ये RPM लिमिटर है, और RPM के रेंज के हिसाब से ये कलर यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। चार्जिंग के लिए देखो यहाँ पे पोर्ट दिया गया है USB, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विच है। साथ ही साथ में ब्लूटूथ के फीचर्स अगर आप कंट्रोल करना है तो यहाँ से एक मोड की भी स्विच है, तो वो आप कर सकते हो। चीज़ और आप नोटिस करो कि इसका जो पूरा जो स्विच का मॉड्यूल है ना वो भी चेंज कर दिया गया है। ये देखो आप यहाँ पे भी सेम दोनों साइड। तो ये है कुछ अपडेट्स। यार E20 रेडी है ही, तो आप E20 वाला फ्यूल भी इसमें डलवा सकते हो। हाईवे फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसमें वेट अच्छा खासा ऐड करा गया है, तो आप हाईवे में लेके जाते हो तो स्टेबल रहती है। और हैंडल बार भी हाईवे फ्रेंडली है, क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलते हैं, थोड़े से ऊपर हैंडल बार है, फुट पैक्स ऐसे कुछ है, तो ये देख सकते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सिटिंग में अच्छा खासा इसमें लॉन्ग स्ट्रेच भी कर पाऊंगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अपाचे को अगर आप देखो ना, अपाचे 200 को, तो उसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा हाईवे फ्रेंडली है, और क्योंकि इसमें पावर फिगर अच्छा है, तो आप हाईवे में अच्छा अराउंड 120 या 130 की स्पीड तक भी क्रूज कर सकते हो। डिस्टेंट इंजन कट ऑफ भी मिलता है इसमें। एग्जॉस्ट का साउंड बहुत अच्छा है भाई, मतलब आपको इसमें सुना नहीं सकता मैं भी उतना अच्छा आपको सुनेगा नहीं। अंडर बेली एग्जॉस्ट है, साउंड बहुत अच्छा है। और भाई ये ना 200 cc की बाइक है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले NS 160 चलाया है, और NS 160 और इसमें ना भाई बहुत बड़ा गैप है। जब आप चलाओगे तब आपको समझ आएगा। तो आप पावर फिगर को देखोगे ना, तो उसमें 17 BHP NS 160 में, और इसमें कुछ 25 BHP, मतलब सीधा सीधा। अरे भाई साहब, NS 200 की भाई परफॉर्मेंस तो कोई बीट नहीं कर सकता। मतलब देखो इसकी राइवल अपाचे 204B तो है, बट परफॉर्मेंस में वो इससे बहुत पीछे है भाई। आप चलाओगे तब समझ आएगा। थोड़ा सा मैं ओपन रोड में आता हूँ और आपसे बात करता हूँ। तो पोस्चर मैंने आपको बता दिया। पिकअप की बात करें तो इनिशियली बहुत अच्छे से पुल होती है बाइक। मैक्सिमम जो पावर और टॉर्क है वो आपको अराउंड 8-9 हज़ार RPM के आसपास मिल जाएगा। और NS 160 के कंपेरिजन में एग्जॉस्ट का साउंड डिफरेंट है थोड़ा भाई।
तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है इसको चलाने में। ब्रेक्स की बाइट बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस तो नो डाउट बहुत अच्छा है। आप मतलब 120-130 आराम से पहुंच जाओगे, खाली स्ट्रेच मिलेगा आपको। तो ये एक इसकी तरफ प्लस पॉइंट है। डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिलता है, और डुअल चैनल ABS के साथ ही साथ में डुअल डिस्क है। तो ब्रेक्स की बाइट, वैसे भी भाई पल्सर की ब्रेकिंग मुझे पहले से ही अच्छी लगती थी, ब्रेकिंग में कोई भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगा, ठीक है। और बाइक का वेट 155 कुछ केजी का है, बट बाइक सिटी फ्रेंडली भी है। मतलब आपको ऐसा जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको हीटिंग वगैरह ऐसे कुछ भी फील नहीं होती, बाइक एजाइल है, आप यू टर्न ले लो निकल जाओ, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती। हाँ, अपाचे के कंपैरिजन में थोड़ी सी एजिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, अपाचे 200 ज़्यादा एजाइल लगती है। ये देखो सिग्नल में हो आप, ब्रेक जबरदस्त है। देखो बताओ आप कैसी लग रही है बाइक व्हाइट कलर में। ये न्यू क्लस्टर विजिबल है, और कितनी भी धूप हो आपको लेटर्स दिख जाते हैं, मतलब आपको रीड करने में दिक्कत नहीं होती है। और आप बाइक को पुल करोगे ना, बाइक कब खिंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखो, अरे जबरदस्त भाई, मज़ा आ जाएगा आपको, साउंड बहुत मज़ेदार है। बाकी इसमें 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है, तो वो एक अच्छी बात है। 6 गियर का ट्रांसमिशन है, आप हाईवे में लेके खींच दो, मज़ा आ जाता है 6वां गियर डालने के बाद। लिक्विड कूलिंग है, तो आपको हीटिंग वगैरह भी नहीं आपको मिलेगी इसमें। प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखो तो मैं बोलूँगा बिल्कुल इसको कंसिडर करना चाहिए। इवन अगर मुझे ख़रीदना हो तो मैं NS160 की जगह पे भी इसको ख़रीदूँगा भाई। 11-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये आप ज़्यादा दे के इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आप लेते हो, बिल्कुल वर्थ है। माइलेज आप पूछो तो अराउंड 35 के आसपास का माइलेज निकाल के देती है सिटी में, जो कि अच्छा माइलेज है, डिसेंट माइलेज है। और अभी मैं हूँ भाई MP नगर के ट्रैफिक में, और संडे का दिन है भाई, संडे भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो जाता है। और कुछ मिस हो रहा हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हेडलाइट वगैरह का कैसा क्या रिस्पॉन्स है, वो नाइट में जब चलाऊंगा तब बताऊंगा कि LED कितनी इफिशियंट है। बट मतलब जितनी ब्राइटनेस उसमें दिख रही है, मुझे लगता है कि अच्छा इल्यूमिनेशन आपको रात में मिलेगा। कॉर्नर्स में अच्छा रिस्पॉन्स करती है, आप अच्छा खासा लीन कर सकते हो। और रेस के लिए तो भाई इसको कोई पीछे नहीं कर सकता भाई, ये एक बात है। रेस में तो ये बहुत अच्छा रहती है, रेसिंग के लिए भी अच्छी है। अगर आप अच्छे राइडर हो तो आप इजीली इसको 150 भी टॉप स्पीड अचीव करा सकते हो। क्लच वगैरह भी लाइट है, गियर शिफ्टिंग वगैरह भी ऐसा कोई हार्ड नहीं लगती है, फॉल्स न्यूट्रल वगैरह आपको नहीं देखने को मिलता है, तो हाँ ये भी एक अच्छी बात है। कोई चीज़ें मिस हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, है ना। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको चलाया है ना, सारे फीचर्स कवर कर ही दिए, बस आपको अपडेट बता दी और चलाने में ओवरऑल कैसी है वो आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है।